पंजाब पुलिस ने राखी सावंत को मुंबई से किया गिरफ्तार, राखी पर वाल्मीकि समाज की भावनाओं को आहत करने का आरोप। आज तक से बोली राखी सावंत, पुलिस के आगे खुद किया सरेंडर, मामले को निपटाने जा रही है लुधियाना, टिप्पणी को लेकर सफाई। उनके बारे में कुछ भी गलत कहा है तो मैं इसे क्षमा मांगती हूँ सभी वाल्मीकि समाज से। आज योगी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक, बीजेपी के चुनावी वादे, किसानों की कर्ज माफी पर हो सकता है बड़ा फैसला। यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने आज के दिन को बताया किसानों के लिए ऐतिहासिक, आज तक से बोले मंझोले और छोटे किसानों का रखेंगे खास ख्याल। ऐतिहासिक फैसला जो है वो योगी आदित्यनाथ जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। निश्चित रूप से किसानों के लिए आज का दिन बहुत अहम दिन है और एक ऐतिहासिक फैसला जो है वो। योगी कैबिनेट की पहली बैठक में अवैध बूचड़खानों पर भी होगी चर्चा, कड़ी सजा पर बन सकती है सहमति। पहली कैबिनेट बैठक में योगी सरकार गांवों में बिजली पहुंचाने की योजनाओं पर भी ले सकती है फैसला। उत्तर प्रदेश में अभिभावकों के लिए अच्छी खबर, योगी सरकार ने स्कूलों की मनमानी फीस वसूलने के आरोपों पर कार्रवाई करने का बनाया मन, 8 घंटे की मैराथन बैठक में लिया फैसला। बेसिक शिक्षा के सचिव अजय कुमार सिंह के मुताबिक सीएम ने निजी स्कूलों में फीस कटौती पर विचार करने को कहा। बैठक में शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने सीएम योगी के सामने दी प्रेजेंटेशन, उच्च माध्यमिक और प्राविधिक शिक्षा पर चर्चा हुई। शिक्षा विभाग संघ बैठक में सीएम योगी ने नकल रोकने, कैलेंडर तय करने पर बातचीत की, शिक्षकों के रिक्त पदों पर भी चर्चा। हर जिले में होगा एक इंजीनियरिंग और एक पॉलिटेक्निक कॉलेज, बेसिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड गठन करने से होगी इसकी शुरुआत, सिलेबस में बदलाव किया जाएगा। 3 तलाक मामले में योगी के दर पर मुस्लिम महिलाएं, रीटा बहुगुणा जोशी से मिला प्रतिनिधिमंडल। योगी से मिली ट्रिपल तालाक पीड़िता को मिला न्याय का भरोसा, कई दिनों से लगा रही थी अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर। इन्हें कि आप जाइए, मैं आपकी कार्रवाई करूंगा, तो उन्होंने यही कहा है कि योगी जी ने कि आप जाइए। अजमेर दरगाह के बाद दिल्ली की फतेहपुर मस्जिद के इमाम ने की बीफ बैन की वकालत, कहा हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान करें। लखीमपुर खीरी में मुस्लिम समाज ने पेश की भाईचारे की मिसाल, मंदिर के बाहर साफ की गंदगी। शराबबंदी को लेकर प्रदर्शन के बीच रमन सरकार की बड़ी मुसीबत, पिछले महीने 700 नई शराब की दुकानें खोली जानी थी लेकिन विरोध के चलते महज 100 खुली। पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर, रजौरी सेक्टर में गोलीबारी। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में शहीद हुए हेड कांस्टेबल बसप्पा को अंतिम विदाई, आंखें नम हुई। सेना की ओर बढ़ा कश्मीरी युवाओं का रुझान, गृह मंत्रालय के मुताबिक रिजर्व बटालियन के 5000 पदों के लिए 40% आवेदन घाटी से आए। एयरपोर्ट ग्रेनेड मामले में जम्मू कश्मीर पुलिस ने पूछताछ के लिए आर्मी मेजर को बुलाया, श्रीनगर एयरपोर्ट पर 2 ग्रेनेड के साथ सेना का जवान हुआ था गिरफ्तार। अश्लील वीडियो लिंक भेजकर किए गए सेना के अधिकारियों के कंप्यूटर सिस्टम हैक, किरण रिजिजू बोले पाकिस्तानी हैकर्स के निशाने पर भारतीय सेना। अरुणाचल के दौरे पर दलाई लामा, चीन ने जताई नाराजगी, भारत ने दी चेतावनी, चीन हमारे अंदरूनी मामले में कोई दखल अंदाजी ना करे। खराब मौसम की वजह से दलाई लामा ने पकड़ा सड़क का रास्ता, कल से कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। दलाई लामा के कार्यक्रम में कल हिस्सा लेंगे किरण रिजिजू, बोले ये पूरी तरह से धार्मिक दौरा है, इसे पॉलिटिक्स के नजरिए से ना देखें।
and there should be no political angle given to that. Religious in nature and दलाई लामा के स्वागत में अरुणाचल प्रदेश में तैयारियां जोर शोर से, दौरे को यादगार बनाने में जुटे लोग।